ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री की मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। अशोक जी, प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा की। विश्व नदी दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत इकाई है। इसके सहारे वो देशवासियों से नदी संरक्षण पर भी बात कर रहे, कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वर्ल्ड रिवर्स डे है, यानी आज विश्व नदी दिवस है। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यक्रम में शुरू में ही नदियों के महत्व के बारे में बताया कि नदी हमारे लिए भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जीवंत इकाई है। तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन नदी माताओं की गोद में ही तो होते हैं। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी देश में लाना चाहा, जिनकी की 75 वर्षों में कोई चर्चा नहीं हुई। आज विशेष तौर से, क्योंकि अगले मन की बात से पहले जो जन्मदिन आने वाले हैं वो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तो जन्मदिन कल ही गया है, और इस कड़ी में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच से हम लोगों को सीख लेने की और सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो देश की वजह से ही है, इसीलिए देश के प्रति हम अपना ऋण कैसे चुकाएंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जो दर्शन था ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था और ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। महात्मा गांधी के बारे में तो जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में महात्मा गांधी की चर्चा अवश्य करते हैं, और इस बार तो उन्होंने पानी के संदर्भ में भी की। और हम लोग जैसे जानते हैं कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था, पिछले कुछ दशकों से वो साबरमती नदी सूख गई थी, 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था। लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती को जो जोड़ दिया प्रधानमंत्री की योजना के तहत जब वो वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो आज अहमदाबाद लोग जब जाते हैं साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने फिर से महात्मा गांधी का चर्चा करते हुए कहा कि आज के नौजवान को ये जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है। अशोक जी, उन्होंने जैसा आप गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र करते हैं, उनसे युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा खादी खरीदिए, क्योंकि खादी महात्मा गांधी को भी प्रिय था और साथ ही साथ भारत की समृद्ध परंपरा की एक अनुपम निशानी भी है। पिछले बार जब मोदी जी ने खादी का जिक्र किया तो खादी की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी नजर आई थी। प्रधानमंत्री का ये आह्वान कि खादी के प्रति आप जुड़िए, खादी का कम से कम एक चीज आप जरूर अपने पास रखिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली के खादी के एक शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और उस दिन भी एक नया रिकॉर्ड बनाए लोग। उन्होंने कहा कि दिवाली के त्योहार में खादी, हैंडलूम और कुटीर उद्योग से खरीदारी वोकल फॉर लोकल अभियान को और मजबूत करेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एक उनको जो समय समय पर उपहार मिलते हैं उनकी ई नीलामी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस नीलामी का जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए समर्पित किया जाता है और आगे भी करता जाएगा। लेकिन इसी कड़ी में आर्थिक स्वच्छता का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। खुशी की बात है कि आज गांव देहात में भी UPI से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता पर पारदर्शिता भी आ रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पूरे हो गए हाल ही में इस योजना का
और इस योजना के जरिए जो सरकार की कोशिश है कि समाज के कमजोर तबके तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, उन्हें पैसों के कारण बीमारी का इलाज करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, किस तरह देखते हैं इस योजना को? प्रधानमंत्री ने कहा कि COVID-19 में हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर जागरूकता और जिज्ञासा बढ़ी है। रांची के एक सतीश ने झारखंड के एलोवेरा विलेज के बारे में बताया है, जो प्रधानमंत्री उसकी चर्चा कर रहे थे। यहाँ मंजू कश्यप के नेतृत्व में महिलाएं एलोवेरा की खेती कर रही हैं। कोरोना काल में भी इनकी कमाई हुई, क्योंकि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने इन एलोवेरा को खरीदा। प्रधानमंत्री ने बताया कि ओडिशा के पतायत साहू ने भी मेडिकल प्लांट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है। और उन्होंने कहा कि बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी एक दिलचस्प पहल की है, और इसका बीड़ा उठाया है कि हमारे प्रोफेसर आयुष्मान ने एक कॉमिक बुक बनाई है, जिसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटी छोटी कहानियां तैयार की गई हैं, और इसमें एलोवेरा, तुलसी, आंवला, गिलोय, नीम, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसे सेहतमंद मेडिकल प्लांट्स की उपयोगिता भी बनाई गई है। उन्होंने इस बात को फिर नहीं भूला कि कोरोना से लड़ाई का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है, और विशेष तौर से उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त त्योहार के हैं, पूरा देश श्रीराम की असत्य पर जीत का पर्व भी मनाने वाला है, लेकिन इसमें हमें एक और लड़ाई का ध्यान रखना है और वो है कोरोना से लड़ाई। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इस लड़ाई में रोज नए रिकॉर्ड बना रही। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। प्रधानमंत्री का कहना था कि वैक्सीन लगने के बाद भी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में भी टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी। जहां तक कोविड महामारी की बात है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोविड टीका नहीं लिया है, उनको जरूरत है कि वो कोविड टीका लें। साथ ही उन्होंने आम देशवासियों को भी कहा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है और जिन्होंने कोविड टीका नहीं लिया है, उनके मन में शंका है, तो आप उनकी शंका को दूर करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -60 डिग्री तक भी जाता है, वहाँ आम इंसान के रहने की भी बस की बात नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांगों की टीम का जिक्र किया। इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने विशेष रूप से इस टीम के जो सदस्य थे उनका नाम लिया। महेश नेहरा, उत्तराखंड के अक्षत रावत, महाराष्ट्र के पुष्पक गावड़े, हरियाणा के अजय कुमार, लद्दाख के और तमिलनाडु के, जम्मू कश्मीर के इरफान अहमद मीर, हिमाचल के, इन सब का नाम दिया और कहा कि शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा किया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा की बात है। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सरकार भी देश में दिव्यांग जनों के लिए कई प्रयास चला रही है ऐसे ही, और लोग भी इस तरह के प्रयास चला रहे हैं। और एक प्रयास उत्तर प्रदेश के बरेली में चल रहा है, जिसे वन टीचर वन कॉल नाम दिया गया है, और इस स्कूल का प्रिंसिपल दीपमाला पांडे चला रही हैं, और दीपमाला और उनके कुछ शिक्षक गांव-गांव जाते हैं और दिव्यांग बच्चों को का किसी न किसी स्कूल में दाखिला कराते हैं। तो जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और उस संवाद के जरिए देश के अन्य क्षेत्रों में लोग जो विभिन्न प्रकार के प्रकल्प चलाते हैं समाज सेवा, उनका जिक्र करना प्रधानमंत्री कभी भूलते नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, न्यू इंडिया का न्यू संकल्प जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, उस दिशा में वो देशवासियों को प्रेरित करते हैं और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी देशवासियों को समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। अशोक टंडन जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।